यहाँ मैं तो साथियों, आज हम कार्तिकेय स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और हमारे नेकी भाई हैं, इनका गांव पास में ही है, ये हमें इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, मंदिर के बारे में बताएंगे। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विश्व प्रसिद्ध ये कार्तिक स्वामी मंदिर है जो कि करौंच पर्वत पर स्थित है। जी हमें चूतिया बन रहे हैं, चलो नीचे कर नीचे। साथियों, आज हम कार्तिक स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और ये मंदिर हमारी पोखरी तहसील में पड़ता है। हमारे साथ हमारे नेगी भाई हैं, इनका गांव पास में ही है और ये हमें यहाँ लेके आए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये और इसके बारे में नेगी भाई हमको बताएंगे कि ये विश्व प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मंदिर का ट्रैक यहाँ से शुरू होता है। ये कनक चौरी नामक स्थान है, यहाँ से ये रुद्रप्रयाग से लगभग ये 40 किलोमीटर है और पोखरी से लगभग 14 किलोमीटर है। और ये मंदिर की ये विशेषता है, पौराणिक महत्व है इस मंदिर का, कि यहाँ पर करौंच पर्वत पर भगवान कार्तिकेय ने अपना देह का जो है दान किया था। मतलब जब वो भगवान शिव जी के पुत्र थे, जब उन्हें जब शिव जी और माँ पार्वती ने ये शर्त रखी कि जो पुत्र विश्व का पूरा चक्कर लगा के पहले आएगा उसको प्रथम पूजा में स्थान दिया जाएगा। और इस प्रकार गणेश जी बड़े चतुर थे, उन्होंने माता पिताजी के चक्कर लगाए, तो उनका जो विमान था वो मूषक विमान था और कार्तिक स्वामी जो है अपने गरुड़ विमान में विश्व भ्रमण में निकल पड़े। तो साथी, हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और ये ट्रैक हमारा शुरू होता है यहाँ से, कनक चौरी नामक स्थान से। चलिए बोलो कार्तिक स्वामी महाराज की जय। साथियों, ये बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का इस ट्रैक पे। ये साथी लोग आगे चल रहे हैं, यात्रा रूट पे आगे बढ़ते हुए हमारे सैंडी भाई हमारे साथ हैं, ये भी बताएंगे इनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। चलो, ये पहले यहाँ पे ट्रैक नहीं बना हुआ था, ये हाल ही में ये ट्रैक का निर्माण हुआ है, अभी ये कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। नेगी भाई इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। देखिए, ये मनरेगा के मद में खर्च हुआ है पैसा और ये भगवान कार्तिकेय के पहली झलक ये करौंच पर्वत आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, करौंच पर्वत है और यहाँ पर हजारों लोग जो इन 100 से ऊपर गांवों के निवासी हैं, उनके आराध्य देव, उनके इष्ट देव, उनके देवादिदेव हैं भगवान कार्तिकेय, और उनका जन कल्याण यहाँ के गांवों का वो हमेशा करते हैं। एक जेएमजेएन का गेस्ट हाउस भी यहाँ पे तैयार हो रहा है और भविष्य में हो सकता है कि एक बहुत अच्छा यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बन के आए। ये सरकार की उपेक्षा झेल रहा है अभी तो, लेकिन जल्द ही ये पर्यटन मानचित्र पर उत्तराखंड अपनी अनोखी छाप ये छोड़ेगा। उभरता हुआ ये कार्तिक स्वामी का हमारा मंदिर है। बहुत सारे गांव के लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी आस्था इस मंदिर में है और उनमें से एक हमारे नेगी भाई भी हैं। कई बार आते हैं यहाँ पर, भगवान की कृपा रही है कि भगवान की आज्ञा रही और हम आए। मौसम शुरू सुबह ख़राब था लेकिन फिर भी लड़कों ने जरा साहस दिखाया। ये हमारे सैंडी भाई कुछ कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है इनको यहाँ आके? यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज से लगभग 6 साल पहले हम पहले यहाँ पे आए थे, उस समय भी हम अपने नेगीदा के साथ आए हुए थे यहाँ पे। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चेंज हो गया तब से। चले सनी भाई बताइए, आप कह रहे थे? हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पॉट है यहाँ पे घूमने के लिए। काफ़ी आज भीड़ तो ज़्यादा दिख नहीं रही है क्योंकि शायद सुबह बारिश हुई है तो इस वजह से थोड़ा भीड़ कम होगी सुबह। हाँ, पूरी धुंध थी, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, धूप खिलाई है पहाड़ों पर, आप जानते हैं धूप खिलती है तो मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है। थोड़ा हम आपको बुरांस के फूल भी दिखाएंगे यहाँ पे। बुरांस वो आगे बुरांस के काफी पेड़ हैं इधर पे, काफी लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। हमारे नेगी भाई अपना रे बहन का चश्मा निकालते हुए, और ये धूप ने साथ दिया है।
और उम्मीद है पार्क क्या महसूस होता है आपको जब यहाँ आते हो, आप इतनी बार आ चुके हो? देखिए एक अनुभूति होती है भगवान के करीब आने की, एक शांति सा अनुभव होता है, एक ऐसे लगता है कि एक अपने जो भी दुख है वो नतमस्तक होके भगवान के दरबार में हमने आपको हमारे बुरांस के फूल आपको दिखेंगे यहाँ पे। ये फूल, इस फूल से जूस बनता है जो कि बहुत लाभकारी है स्वास्थ्य के लिए और गढ़वाल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। लेकिन दिल के लिए चूना अच्छा है, लीवर के लिए उतना खराब हो जाता है। नेगी भाई ने जैसा आपको बताया कि किस तरह से हम पर्यटन का सहारा लेके इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, पर्यटक स्थान हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण वो क्षेत्र उतना डेवलप नहीं हो पाया, उस क्षेत्र का उतना विकास नहीं हो पाया, इस कारण उस क्षेत्र में पलायन बहुत ज़्यादा है। लेकिन डेफिनेटली धीरे धीरे जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया ने एक अलग ही क्रांति ला दी देश में, और कई चीज़ें ऐसी थी जो लोग जिस तक जा नहीं सकते थे, उनको जानकारी नहीं थी उसके बारे में, वहाँ तक भी लोग आज जा पा रहे हैं। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया कि हम किसी चीज़ को भी अगर हमें वायरल करना है या किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना है तो इससे बेहतर माध्यम आज की तारीख में कोई लगता नहीं। इसके बारे में निकी जी आप क्या कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया का महत्व क्या है आज के दौर में? जी बिल्कुल, आजकल आप देख रहे हैं जब से सोशल मीडिया का उद्गम हुआ है तो किसी भी चीज़, चाहे कोई टूरिस्ट स्पॉट हो, कोई व्यक्ति हो, अगर वो उसमें कोई विशेषता है तो ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती है। सोशल मीडिया का जो जाल है इस तरह से बिछा हुआ है कि देश विदेश सेकंडों में जो सूचना है, जो फोटोज़ हैं, अदर चीज़ें हैं, वो पहुंच जाती हैं और एक अलग ही क्रांति सोशल मीडिया ने ला दिया है आज के युग में। अब मैं थोड़ा सा ट्रैक का आपको व्यू दूंगा, किस तरह से ट्रैक है। ये आप देख सकते हैं हमारे नेगी भाई आगे चल रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर ट्रैक है। यहाँ पे अभी आपको बुरांस के फूल खिले हुए दिखेंगे। बुरांस जो कि हमारा राज्य पुष्प है, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, तो इसका ज़्यादातर हम देखते हैं जूस बनता है इसका और काफ़ी मात्रा में ये पिया भी जाता है लोगों द्वारा बहुत शौक से, और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं जो नेगी जी हमें बताएंगे कि बुरांस के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स। रोडोडेंड्रॉन जो होता है बेसिकली इसका बॉटनिकल नाम है रोडो, एंड उसका बायोलॉजिकल नेम एक होता है स्पीसीज जो है इसका डेंड्रॉन स्पीसीज का है, ये फर्स्ट नेम इसका रोडो। और रोडोडेंड्रॉन जो है ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी है। इसमें जो है कुछ ऐसे शोध में ये पाया गया कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स हैं जो हार्ट की मसल्स को आपको रिलैक्स करने में मदद करते हैं। इसका जूस आप पिए, इसको कच्चा खा सकते हैं, जूस पिए, लेकिन बहुत चीनी डालो और जूस मत बनाएं, उससे कहते भाई शुगर की दिक्कतें आपको पाई गई हैं कि कई लोग जो उसका सेवन करते हैं हार्ट उनका स्वस्थ हो जाता है लेकिन शुगर उनको। डेफिनेटली नेगी जी ने जैसे बताया आपको बहुत सारे हर्ब्स फ्लावर्स इस तरह के हैं जिनके साइंटिफिक महत्व हैं और वो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको देते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन डेफिनेटली उसको उस तरीके से लेना होगा जैसे अभी देखा हमने कि बुरांस का जूस जो बना रहे लोग आजकल उसमें बहुत ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण तो रियल बेनिफिट वो मिलना नहीं चाहिए। तो एक प्रोपोर्शनेट वे में अगर इसको बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देगा। इसके अलावा भी पहाड़ क्षेत्र में जैसे आंवले का जूस और इस तरह के जूस वगैरह बिकता है, तो उत्तराखंड सरकार से भी ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के लघु कुटीर उद्योग जो हैं हमारे इन पर ध्यान दिया जाए, जैसे ये हमारे फूड प्रोसेसिंग है और इसके अलावा जैसे हमारे भोटिया जनजाति के लोग पंखी शॉल और दन वगैरह बनाते हैं, साथ में टोकरियां वगैरह बनाने का काम है हमारे लोकल आर्टिजन का। बहुत देर से नहीं की थी, बुरांस खाने सोच रहे हैं, मैंने छोटा पेड़ नहीं था। अरे क्या था, छोटे में तो बिठा
धीरे धीरे ये उद्योग कम होते जा रहे हैं, लेकिन अगर इनको प्रोत्साहन मिलेगा तो डेफिनेटली हमें और हमारे उद्योगों को बहुत फायदा होगा। ये देखिए, हमने बुरास का जिक्र किया था तो हमारे नेकी भाई, देखिए ये बचपन से इनको आदत है पेड़ों पे चढ़ने की, और ये देखिए बुरास तोड़ के लाएंगे हमारे लिए, और ये कुछ तो इन्होंने तोड़ दिए हैं, और ये फिर देखिए चढ़ रहे हैं किस तरह, देखिए इनकी टेक्निक है, ये पूरी देखिए मजबूती से अपना पैर रख रहे हैं ताकि गिरे ना, और ये बस थोड़ा आराम से जाए नहीं भाई, लेकिन इनको आदत है बचपन से ऐसे पेड़ों में चढ़ने की, तो बचपन से इन्हें मॉन्स्टर कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है मॉन्स्टर, इनके हाथ भी इतने मॉन्स्टर जैसे हैं जो इनकी ग्रिप में आ जाते हैं। देखिए 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 कितने एडवेंचरस हैं, कितने एडवेंचरस हैं, जो छोटे हैं हम तो इन्हें जेसीबी भी कहते हैं। देखिए आप यकीन नहीं कर सकते, ये वही व्यक्ति है जो 10 से 8 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता है, और आज देखिए मैं तो कह रहा पूरी टहनी तोड़ दो, ये इस जगह में आके किस तरह से इनका एडवेंचर बाहर आ रहा है, अंदर की भड़ा तो ये देखिए, अरे गिर गया है ये, ये देखिए ब्रांस के फूल ये हमारे लिए तोड़ रहे हैं, और अब नेगी ये देखिए देखिए किस तरह से उन्होंने टहनी पकड़ी दूर से ही, टेक्निक इनको पूरी पता है कि बिना गिरे किस तरह से वो तोड़ने हैं फूल। बहुत हो गया है नेकी भाई, मैं चाहूंगा आप नीचे आए और हमने लिया नेकी भाई से, ये बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया बस, इसका गुलदस्ता बनाते हैं ना भैया, दीजिए दीजिए अरे मेरे हाथ में वो भी है, सैंडी भाई की हम कमेंट्री सुनते हुए कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन हम बकवास पूरी करेंगे, शुरू से आदत है इनकी काम कुछ नहीं करते, और इनको इनके साथ हमेशा यही दिक्कत रही कि हमें हमेशा जो है इनके कारण हम परेशानी में आते हैं, और जब भी इनके इनको पूरी हमें सहूलियत देनी पड़ती है, जैसा आपको प्रॉमिस किया था दोस्तों, और ये मैं नहीं वैसे कहूंगा, हमारा वीडियो बन गया होगा, अच्छा वीडियो बनता जा रहा है, पर कैमरा मैंने चाहा रिकॉर्ड करना था, फोकस ऑन नहीं किया था, नहीं फोकस पूरा ऑन था, जो ये तोड़ के लाए इसे खाएंगे भी, ये देखिए कैसा स्वाद है नेकी भाई इसका, देखिए नेक्टर आपने सुना होगा, नेक्टर जो मधुमक्खियां शहद के लिए आती है, इन्हीं से नेक्टर बनता है, और इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं उसको देखिए फ्लेक्चर फट जाती है। तो हम अभी आधा रास्ता तो तय कर लिया हमने, लगभग आधा नहीं होगा बोलने के लिए हो गया, तो आप देख सकते हैं ब्रांस दिख रहा है चारों तरफ, और ये बहुत ही सुंदर वातावरण यहाँ पे, बिल्कुल आप जंगलों के बीच से होता हुआ सीधे मंदिर तक जाता है, और ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है, आप देख सकते हैं, बहुत ही पगडंडी सी बनी हुई है, मानो किसी गांव का रास्ता हो, किसी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आप कोई दुर्गम यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही सुगम रास्ता, और जो थोड़ा बहुत चढ़ाई है भी वो भी जब आप उनके सानिध्य में पहुंचते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर प्रांगण में, तो आपकी थकान मानो गुम सी हो जाती है। डेफिनेटली हम लोग और ट्रैक्स पे भी गए हैं, रुद्रनाथ वगैरह, तो उससे काफ़ी सरल ये ट्रैक है, और रास्ता बहुत आसान है, मतलब कोई भी व्यक्ति इस पे आ सकता है, और इतना टफ नहीं है, बस ये है आपको आना पड़ेगा कनक चौरी तक, और ये रास्ते नेकी भाई बताएंगे किस 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 जगह से आप आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो आपको रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा, और रुद्रप्रयाग से 40 किलोमीटर के लगभग कनक चौरी एक जगह है जहाँ पर से इसको पैदल रास्ता शुरू होता है, और अगर आप रुद्रप्रयाग की तरफ से आ रहे हैं तो पोखरी से मात्र 14 किलोमीटर आगे ये जगह पड़ती है, बिल्कुल सेंटर में है, और बहुत यहाँ के देश विदेश से लोग आते हैं, बंगाली लोग बहुत आते हैं, हमारे बंगाली भाई ट्रैकिंग पे। तो नेगी जी ने जैसे आपको बताया कि आप किस किस तरह से यहाँ पहुँच सकते हैं,
और आपको अगर आना है तो आप इन रास्तों का उपयोग करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और डेफिनेटली अभी मंदिर का हम आपको व्यू दिखाएंगे तो आपको और सुंदर लगेगा ये, क्योंकि मंदिर एकदम चोटी पे है पहाड़ की और वहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। नेकी भाई इसके बारे में बता देंगे कैसा व्यू मिलता है वहाँ से। देखिए ये मंदिर बहुत हाइट पे स्थित है, मैं एग्जैक्ट हाइट आपको वहाँ जाके बता पाऊँगा गूगल में देख के। और लेकिन इसके बाद क्या है कि जो हिमालय की जो बहुत एक लार्ज पर्वत श्रृंखला है, बहुत लार्ज पर्वत श्रृंखला है, वो आपको यहाँ से व्यू मिलता है। और आप एग्जैक्ट चोटियों के नाम भी मैं आपको वहीं जाके गूगल से बताऊंगा। और एक पैनोरामिक व्यू जिसे कहते हैं वो मिलता है आपको इस स्थान से। धीरे मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे बहुत सारा कोई बात नहीं है। तो हमारे नेगी भाई आज जोशीमठ से आए हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, मैनेजर स्टेट बैंक शाखा जोशीमठ में, तो वहाँ से ये आए हैं। तो स्पेशली आज इनको मंदिर के दर्शन करने थे, मौसम ख़राब होते हुए भी ये आए, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। आज मौसम ख़राब था फिर भी आप आए, क्या कारण रहा? देखिए ना मैं आया हूँ ना मुझे बुलाया है ना मुझे भेजा है ना मैं आया हूँ। मुझे भगवान, जैसे गंगा मैया को मोदी जी ने बुलाया था वैसे भगवान कार्तिकेय ने मुझे बुलाया है। तो देख सकते हैं आप इनकी आस्था किस प्रकार, कार्तिक स्वामी जी में इनकी आस्था है और मौसम खराब होने के बावजूद भी यहाँ पे आए। और मैं तो यही दुआ करूंगा कि मेरे छोटे भ्राता, मेरे वरिष्ठ भ्राता संदीप जी अगली बार बहू के साथ आए। ये हमारे संदीप बिज जी, अभी इनका विवाह नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द ये विवाह की तैयारी में है, तो ये इनके लिए ही हम प्रार्थना कर रहे हैं जल्द से शादी हो। और ये क्योंकि हम सारे दोस्तों का विवाह हो चुका है तो अच्छा नहीं लगता कोई ऐसे ही मजे करता रहे, है ना। तो बहुत ही, जिस तरह से आप देख सकते हैं एक ट्रैक भी बड़ा बड़ा अच्छा ट्रैक है, ये एकदम खड़ी चढ़ाई नहीं है, तो आप लोग आराम से आ सकते हैं फैमिली के साथ और मंदिर के साथ ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं मंदिर दर्शन के साथ। हमारे नेगी जी, आपकी कौन सी ट्रिप है नेगी भाई? ये बताऊँ तो मुझे बचपन में याद भी नहीं है, मैं कितनी बार यहाँ आ चुका हूँ भगवान के दरबार में, क्योंकि मैं जब छोटा हुआ करता था माता पिता के साथ कई बार आया, फिर मैं पैरों पर खड़ा होना शुरू करा तो कई बार आया, जब वहाँ सुमारी बाजार में रहा कई बार आया और हमेशा भगवान का जो रहा है एक आशीर्वाद। तो जब भी आप यहाँ आते कैसा लगता है आपको? एक अनुभूति होती है अपने पन से, एक लगता है कि हाँ हमारा जो है इष्ट देव है हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए तो उनके शांति मांगा के एक शांति का अनुभव महसूस होता है। डेफिनेटली जो इस तरह के मंदिर हैं पहाड़ क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा दिक्कत होती है कई लोगों को ऊपर चढ़ने में, लेकिन जब आप पहुंचते हैं मंदिर तक तो आपको आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और एक ही अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। सैंडी भाई इस पे कुछ बोलना चाहते हैं? तो सैंडी भाई हमारे जोशीमठ क्षेत्र से आते हैं, बद्री विशाल जी के क्षेत्र से, तो उनके रूट में ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो इनसे जानना चाहेंगे इनका अनुभव कैसा रहा, पिछली बार भी आए थे अब दोबारा आ रहे हैं। हाँ, काफी लगभग 6 सालों के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप कार्तिक स्वामी मंदिर की जानकारी इस बोर्ड पर दी गई है, नेगी जी की हम फोटो ले रहे हैं। और ये कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे उत्तराखंड सरकार द्वारा डेवलप की गई हैं जिनमें आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। और ये पहले जब हम इस 2014 में यहाँ पे आए थे तो इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जिस तरह से यात्रियों का आना यहाँ पे बढ़ा है तो व्यवस्थाएँ भी बढ़ी हैं। साथ में आप रास्तों का निर्माण भी देख सकते हैं, सोलर लाइट्स की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और नेगी जी से हम जानना चाहेंगे ये किस समय से ये कार्य चल रहा है यहाँ पर? ये देखिए 2 साल पहले हम आए थे तो कार्य जो था बहुत ही शुरुआती स्टेज में था, अभी आए हैं तो बड़ा अच्छा यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर कंक्रीट जो टाइल्स टाइप की लगा दी है। एक कुंड जैसा बनाया गया है, यहाँ पे व्यवस्थाएं डेवलप की हैं टॉयलेट्स वगैरह उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा। और ये
हमारे दो साथी अभी पीछे रह गए हैं, फोटो सेशन उनका चल रहा है उधर, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं आगे मंदिर की तरफ, क्योंकि समय चलो कम है निकी भाई के पास, उन्हें वापस जोशीमठ भी जाना है अभी, तो अभी लंबी यात्रा है 100 किलोमीटर के लगभग यहाँ से है, तो समय पे पहुँचना है क्योंकि आजकल रास्ता भी जल्दी हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, तो दोस्तों हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए हैं और मेरे साथी संदीप बताएंगे ये ब्रांस खाते हुए, ब्रांस का आनंद लेते हुए बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा है और ऐसा मौका बहुत टाइम बाद हमें मिल रहा है, क्योंकि मैं भी इस समय से पहले बरेली की तरफ पोस्टेड था तो समय नहीं मिल पाता था यहाँ पे आने पे, तो पोस्टिंग के बाद एक बार रुद्रनाथ होके आया और ये फर्स्ट टाइम कार्तिक स्वामी जा रहा हूँ लगभग 5-6 सालों बाद, तो बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जिस प्रकार का ये ट्रैक है और जिस तरह से व्यू है, आप देख सकते हैं इस जगह को, इतना शानदार व्यू है इस जगह का। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, तो मेरे दोस्त संदीप फोटो लेंगे। दोस्तों हम मंदिर प्रांगण तक पहुंच चुके हैं और हमारे साथी निकिता ऊपर खड़े हुए, तो हम दिखाएंगे अब यहाँ से आगे का रास्ता, हम आगे बढ़ते हुए स्कंदपुरी कार्तिकेय नगरी है और स्कंद माता के ये पुत्र हैं, पुत्र इनके वाहन जो हैं गरुड़ हैं, अभी आपको मंदिर में ये मूर्ति दिखेगी। साथियों आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड टूरिज्म ने इसको डेवलप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसको आप रास्ता देख सकते हैं, सीढ़ियाँ ये पहले नहीं थी और ये कितनी ऊंचाई पे है, कितनी ऊंचाई पे कोई भी कार्य करना इतना इजी नहीं होता, लेकिन फिर भी सराहनीय कार्य हम इसे कहेंगे, और ये उन्होंने बहुत अच्छे से इस इतने पौराणिक और सुंदर मंदिर को फिर से डेवलप करने का कार्य किया है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा। और ये व्यू देख सकते हैं आप इस मंदिर, अभी हम सीढ़ियों में हैं, ये पूरा चारों तरफ बहुत ही ऊंचाई पे है ये मंदिर, ये हमारे संडी भाई आते हुए, थोड़ा मंदिर के दर्शन कर लें उसके बाद ब्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हम कार्तिक स्वामी मंदिर तक पहुंच गए हैं, हमने दर्शन कर लिए मंदिर के और अब मैं आपको ये बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए कितना सुंदर ये मंदिर है और इस ऊंचाई पे ये बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं रोड हमें बहुत दूर दिखाई दे रही है यहाँ से, तो ये बहुत ही ऊंचाई पे है और यहाँ पे रोड से लगभग 4-5 किलोमीटर आपको पैदल चल के आना होगा, और लेकिन ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे नेगीदान ने भी दर्शन कर लिए हैं और अभी पिक्चर्स ले रहे हैं वो, तो ये दिखाते हैं हम आपको इस मंदिर का से व्यू जो दिखता है, बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। आज तो बल्कि बादल हैं तो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन जिस दिन पूरी धूप खिली होती है अच्छे से, ये यहाँ पर टेलीस्कोप की व्यवस्था भी की गई है, आप इससे भी व्यू ले सकते हैं। और ये भैया यहाँ पे हैं, टेलीस्कोप का कार्य देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नारियल चढ़ाया जाता है, तो हमारे एक साथी अभी नारियल छिल रहे हैं और अभी नारियल छिल के चढ़ाएंगे मंदिर में, तो ये देख सकते हैं आपको आसपास के जितने भी गांव हैं सब आपको नज़र आएंगे यहाँ से, बहुत ही सुंदर व्यू है। और